एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सिटी में लेके आई हूँ जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है जर्मनी का। और मैं कहाँ खड़ी हूँ, उनके रात हाउस के आगे। तो रात हाउस पीछे आपको दिख रहा है जो कि बहुत ही फेमस रात हाउस है। तो आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे पूरा सिटी, सिटी का क्या चार्म है, सिटी कैसी है, ओल्ड टाउन जर्मनी के कैसे दिखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिटी सेंटर पे थे और वहाँ से इस दर पर आए हैं। और ये एकदम मुझे जो जर्मन घर होते हैं, ऑथेंटिक ओल्ड टाउन होते हैं, वो फील दे रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमकर। और लोग भी, दीपक और मैं ये बात कर रहे थे, एकदम बिल्कुल कुछ लोग टूरिस्ट जैसे दिख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो यहीं के दिख रहे हैं जो चकाचक ऊपर से नीचे अच्छे बन के घूम रहे हैं। तो लेट्स सी इधर क्या। ट्यूबिंगन में गणेश जी, तो आपको मतलब पीछे मेरा पूरा बैकग्राउंड देखना और बताना, कमेंट करना कि आपको ये देख के कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड टाउन, यूरोपियन टाउन जैसा फील आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है आज कंपैरेटिवली, मतलब इतने दिन से गंदा सा मौसम हो रहा था, आज बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो लोग जो है वो अपनी कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, जैसे धूप यहाँ से आ रही है तो सब लोग जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं। तो अगर उस साइड भी अच्छा नज़ारे हैं तो भी लोग जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा फनी लगता है क्योंकि हम लोग जो हैं अगेंस्ट द सन बैठते हैं। बट या दैट्स इट। तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है एक यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ट्यूबिंगन में, इसलिए यहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। और जहाँ पर भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ का जो एटमोसफियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। ये जो मेरे पीछे के घर है ना बैकग्राउंड में, ये हैं ऑथेंटिक यहाँ के जो यूरोपियन घर होते हैं, स्पेशली जर्मन जो हाउसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर। बाहर से पुराना वही लुक मेंटेन करके रखते हैं, अंदर से पूरे रेनोवेटेड होंगे, एकदम मॉडर्न आर्किटेक्चर होगा अंदर। कहने का मतलब ये है कि अंदर सब कुछ होगा, डिशवॉशर होगा, बहुत अच्छा मॉडर्न हाउस होगा, पर बाहर से बिल्कुल जो ये पुराने जो जर्मन हाउसेस होते हैं वैसे है। हम लोग घूमते समोसा खा रहे हैं थोड़ा बोल लेते हम लोग थोड़ा घूमते घूमते भूख लगने लगी थी तो हम यहाँ पर आए हैं और चाय समोसा खा रहे हैं। मतलब यार विदेश में चाय समोसा मिल जाए तो क्या बात है। ट्यूबिंगन की एक और खासियत है जो आपको दिख रहा है, स्ट्रीट पर छोटे छोटे टेबल्स, मतलब पब्स हैं, कॉफ़ी हाउसेज हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो इस तरीके के स्ट्रीट्स पे लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर ट्यूबिंगन में कि नैरो रोड्स हैं और साइड में टेबल्स हैं जहाँ पर लोग अपना अपना जो भी ड्रिंक्स वगैरह या फिर कॉफ़ी आइसक्रीम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। चीज़ ये देखो आप, इस तरीके के स्ट्रीट्स हैं ऐसे, तो थोड़ा अलग फील दे रहा है टाउन का।
पीछे आपको बहुत सारी भीड़ दिख रही है, तो यहाँ पर सिटी सेंटर पे कुछ कुछ लोग मतलब कुछ बजाते रहते हैं और कुछ कुछ इवेंट्स करते रहते हैं, वो हो रहा है। और उसी के बगल में है वेजिटेबल मार्केट। तो आपको मतलब मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, यहाँ हर एक टाउन में या हर एक सिटी में वेजिटेबल मार्केट लगता है, तो वहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ जो आती हैं तो वो भी लगा हुआ है यहाँ पर। पर ये जो रिवर नेकर है ये भी बहुत फेमस है यहाँ, तो आप यहाँ पर बोट ले सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो बोटिंग कर रहे हैं और ये पूरा यहाँ का राउंड ले सकते हो। और अभी हम नीचे जाएंगे क्योंकि वहाँ से जो है वो ये डिफरेंट कलर के हाउसेस दिखते हैं, तो उसका ज़रा लुक देखते हैं। तो नेचर भी है इस सिटी में। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एकदम मेन पॉइंट है नेचर, मतलब रिवर है। और ये जो ब्रिज है ये भी बहुत सुंदर फ्लावर से सजाया हुआ है। वहाँ पर अलग अलग कलर के हाउसेज हैं जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और अभी हमारा प्लान है बोटिंग करना, अगर टाइम अलाउ करता है हमको। बाकी चलो आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या है। अभी आपको पीछे दिख रहा है लेक, ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं चप्पू से नाव चलाना, और यहाँ पर ये लोग डंडे से जो है वो नाव चला रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लेक्स होते हैं जो ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं उसमें इस तरीके की बोट होती है, बट मैंने पहली बार इस तरीके की बोट देखी है पूरे जर्मनी में। नदी जो है 8-10 लोगों को लेके चप्पू चला रही है, मतलब डंडे से नाव चला रही है। हम लोग इस पार्क में ऐसे ही घूम रहे हैं और ये दीपक देखो गुस्सा हो रहा है मुझ पर। मेरी मर्जी, मेरे को बोलना है, मैंने बोल दिया। झूठी। कैसा लग रहा है? गंदा नाला है। एक्चुअली ये ना ग्रीन, यहाँ पे जर्मनी के जितने भी लेक्स हैं पर गंदगी नहीं है, उसमें पानी वैसा है ग्रीन कलर का। तो दीपक लेक्स तो वैसे भी मतलब कहाँ है, रिवर है ये तो, नेकर रिवर है ये। अच्छा, पर क्या है रिवर, इतनी गहरी रिवर है? नाला ही है, नेकर नाला। नेकर नाला, सीरियस। नाले में मजे ले रहा है, नाले के अगल बगल बढ़िया रेस्टोरेंट बना लिए, बियर वियर पी रहे हैं, सब बैठे हुए हैं लाइन से, बोट चल रही है उसमें, उसी में माहौल बन रहा है यार। हमारे यहाँ के नाले साफ कर लो, उसी में मजा आए। हम लोगों ने पूरा दिन जो है यहाँ पर व्यतीत कर लिया और हमें बहुत अच्छा लगा ये टाउन, ये सिटी चिबिंगन। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि और भी अच्छा होने वाला है। और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा या आपने ऑलरेडी विजिट किया है तो ज़रूर कमेंट करना। बाय।